4 तारीख को पर्चा वापस लेने का दिन है। महाराष्ट्र की कई सीटों पर एक ही गठबंधन के कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा है। हमारे साथ सना मलिक है, हम उनसे बात करेंगे। सना जी, आपकी भी, आप अभी फिलहाल एनसीपी में हैं, महायुति के आप घटक दल हैं, आपके सामने भी आप ही की घटक दल का एक नेता खड़ा है। देखिए, 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में अजीत दादा ने हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी सिंबल पे ये भी फॉर्म दिया। हमने पर्चा दाखिल किया और पर्चा दाखिल करने के बाद हमें पता चला कि उधर धनुष्यबान सिंबल पे शिवसेना का भी एक कैंडिडेट खड़ा है। जहां तक हमारी जानकारी थी कि अजीत दादा पवार के लिए ये दोनों सीट छोड़ी गई थी, मानकुर शिवाजी नगर और अनुशक्ति नगर। अभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ किसकी क्या बात हुई हमें उसकी जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों के बीच में उतर के पहले भी काम करते थे, चुनाव के मैदान में भी वैसे उतरे हैं और हम निश्चित तौर पे ये जानते हैं कि लोग, जो जनता है, वो हमारे साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि वे हमें चुन के देंगे। देखिए, बीजेपी बार बार नवाब मलिक जी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रही है कि नवाब मलिक पर जो आरोप लगे हैं इस वजह से हम नवाब मलिक के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जब बात सना मलिक की आती है तो सना मलिक के सामने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया गया? देखिए, पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि नवाब मलिक साहब के अगेंस्ट जितने भी आरोप लगे वो सब बेबुनियाद है और आने वाले वक्त में जब ये कोर्ट का मैटर क्लियर होगा और कोर्ट से जब ऑर्डर्स आएंगे तब हमको और सबको जानकारी होगी कि हम इसमें कितना तथ्य था। दूध का दूध लोगों के सामने होगा। जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र में हमारे अगेंस्ट लोगों को खड़ा किया गया है वो जानकारी वरिष्ठ नेताओं को होगी, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बात जानकारी की नहीं सना जी, बात ऐसी है कि एक ही घटक दल के लोग हैं और एक ही घटक दल से दो उम्मीदवार, तो मान लीजिए जो वरिष्ठ नेता आएंगे वो किसको मतदान करने के लिए अपील करेंगे? क्या आपको खुद ही मतदाताओं को अपील करनी है जाकर या फिर कोई वरिष्ठ नेता आपकी मदद करेगा भी? देखिए, मैंने अपने पिताजी को पिछले 40 साल से राजनीति में देखा है और पिछले 15 साल से जब वो डिलिमिटेशन हुआ था और अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से जब वो पहली बार चुनाव लड़े, तब से लेके आज तक जब जब उनका चुनाव आया तब हम लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कैंपेनिंग के उस पे उतरे और हमने तब भी एक चीज देखी थी और आज भी है। पिछले ये चौथा इलेक्शन है 2009 के बाद और एक चीज कॉमन रही कि मेरे पिताजी ने हमेशा अपने काम के आधार पे लोगों के साथ जुड़े हैं, जो नाते उन्होंने बनाए हैं, जो लोगों ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है, भरोसा रखा है और वो विश्वास के जो साथ उन्होंने अपना काम किया है उस पे वोट मांगा है, ना कि किसी लीडर के अपील के ऊपर, ना ही कोई बीजेपी या शिवसेना या किसी के अगेंस्ट बोलकर और ना ही अपना प्रचार किसी पार्टी के माध्यम के तौर पे करके। तो जो मैंने देखा है वही मैं भी फॉलो कर रही हूँ और आगे भी ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे। ये वाला जो हमारा प्रोसेस है, जिस हिसाब से हम काम करते हैं और जिस हिसाब से हम लोगों के बीच में जाके चुनाव के क्षेत्र में वोट मांगते हैं, उस पर हमें पूरा भरोसा है, वो हमेशा से हमें सफलता दिलाया है, आगे भी दिलाएगा। क्या महाराष्ट्र की जो जिन सीटों पर एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, क्या फ्रेंडली फाइट को तैयार हैं सब लोग? क्या आप लोगों को लगता है कि क्या फ्रेंडली फाइट होगी वहां पर? ज्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ मैं, एक बोलते ना एक विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पे पहली बार उतरी हूँ। मेरा पूरा फोकस अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र पूरी ताकत से और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, किस तरफ क्या हो रहा है, उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। सुबह उठती हूँ, प्रचार पे लग जाती हूँ, आप जैसे लोग आते हैं तो उनसे थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ, इधर से होता है तो वैसे ही फौरन अपने लोगों के बीच में जाके अपना प्रचार जो भी चल रहा है उसमें हम कर रहे हैं। जानकारी ज्यादा नहीं है महाराष्ट्र चुनाव की, वो हम 20 तारीख के बाद देखेंगे। धन्यवाद। तो सना मलिक थी जिन्होंने बताया कि फ्रेंडली फाइट को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां से लड़ रहे हैं पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.